तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु रेमडी। आज हम लेकर आए हैं, अनबॉक्सिंग करने आए हैं बोल्ट की X50 TWS की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पास है बोल्ट का X50 जिसका कलर है ब्लैक। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन कैसा है, ये लेना चाहिए आपको लेना चाहिए। आपको बोल्ट की वेबसाइट और आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके देख सकते हैं पैकेजिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी बाहर से आपको दिख रही है। और मेरे पास मीवी के M30 हो गए और बोल्ट का पहले मेरे पास रखा था, वो आपको वीडियो में दिख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले की वीडियो में पीट्रॉन्स के और वीकूल कंपनी के और पीट्रॉन वगैरह के मेरे पास सारे मेटलक वगैरह के 1000 रुपये के आसपास जितने भी हेडफोन्स रहते हैं, सारे सस्ते मद्दे वाले, सब अनबॉक्सिंग करता हूँ, स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कैसे आपको लेना चाहिए लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले तो ये सब प्रेम पत्र वगैरह जो मिलते हैं, वही हमारे मैनुअल वगैरह, गाइड वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं ये गाइड वगैरह दिए गई हैं। इसमें चार्जिंग केस वगैरह सब मिलता है, आप देख सकते हैं। ये रिवार्ड्स वगैरह लिखा है कि आप ATM वगैरह से आप रिवार्ड्स मिल सकते हैं 20 विनर्स को, जो हमको ये पहले करेगा। देख सकते हैं ये चार्जिंग केस है, टाइप सी केबल इसमें लगती है और ये हमारा है चार्जिंग केस। ये टिप्स भी इसमें दी गई हुई है आपको, अगर SLM मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज की ये टिप्स दी गई है। अगर आपके कान के स्मॉल मतलब छोटे आप हो तो कान ईयर की टिप्स आप छोटे लगा सकते हो, वैसे ये टिप्स हैं। ये टाइप सी हमारा USB केबल, आप आराम से इसको चार्जिंग लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की हमारा चार्जिंग केस है, आप इसको आराम से इसमें हमारे जो उसमें ईयरबड्स हैं उसके अंदर रखें। आप देख सकते हैं बाहर केस पर लिखा है बोल्ट ऑडियो, देख सकते हैं बोल्ट ऑडियो लिखा। ये पीछे देख सकते हैं आप USB टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए दिया गया हुआ है। देख सकते हैं स्मॉल हैंड में ग्रिप हो रहा है और केस में आप देख सकते हैं चार्जिंग उसमें इंडिकेटर बना हुआ है। ये देखिए मेरा बोल्ट का पहले से रखा हुआ है, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया बोल्ट का दूसरा मॉडल का देख सकते हैं अभी भी रखा है, मैं यूज़ करता रहता हूँ। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हैंड कंफर्टेबल है और आपको खीजली हैंडल, आपको कहीं भी जाना आराम से कर सकते हैं। बाकी मीवी M30 का भी देख सकते हैं कैप्सूल टाइप का आपका दिया गया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको आराम से कहीं भी जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे रखे हुए हैं, मैंने सबके अनबॉक्सिंग कर दी है, आपको जल्दी ही वीडियो मिली होगी, आप देख सकते हैं वीडियो। बाकी आप चाहें तो मीवी M30 भी ले सकते हैं। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से 1000 रुपये खरीदा, लेकिन अभी इस समय 1300 रुपये का है, बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर 1600 रुपये का ये रजिस्टर्ड किया गया हुआ है। तो आप इसको फ्लिपकार्ट 1300-1400 रुपये के आसपास ले सकते हैं, सेल में 1000 रुपये का आपको फिर से दिख जाएगा। आप इंडिकेटर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट्स आपकी, जैसे मैं केस को खोलता हूँ ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये हमारे ईयरबड्स इसमें फिट हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फिट्स हुए हैं। आराम से जब जैसे मैं निकालूंगा, ऑटो पेयरिंग अगर मेरा ब्लूटूथ से एक बार कनेक्ट होने के बाद ये ऑटो पेयरिंग कनेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, फिर ऑटो पेयरिंग से कनेक्ट कैसे हो जाता है आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट फीचर्स के साथ यह दिया गया हुआ है। चार्जिंग केस ग्रिप में भी बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बढ़िया मैटिक कलर का आपका, देख सकते हैं केस भी अच्छा हुआ है। और उसमें 40 आवर्स का प्ले टाइम दिया बताया गया है कंपनी तरफ से। बाकी ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.1 बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है इसमें लेटेंसी मैं आपको बताता हूँ, 45 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब आप जैसे गेम खेलोगे जैसे गोली मारोगे वैसे बिल्कुल गोली तुरंत लगेगी उसके, मतलब वो साउंड का कोई भी लैक नहीं होगा, कोई लेटेंसी आपकी बहुत बढ़िया लो लेटेंसी दिया गया हुआ। और उसमें जेनटेक के माइक यूज़ किए गए हैं जिससे आपके मतलब वॉइस, अगर आप कोई भी गाना या बाहर शोर शराबे में अगर आप फ़ोन लगाते बात करते हैं गाना सुनते हैं या बोलते हैं तो आपको अच्छे से गाना माइक आवाज आएगा। और बोला गया कि 10 मिनट में अगर आप चार्ज करते तो 100 घंटे तक की आपको प्ले टाइम म्यूजिक देता है। लेकिन आप बता दूँ ये सब जो लिखा होता है वो 10-20% आपके अगर आप वॉइस होगी मतलब साउंड होगा तभी आपका ये प्ले टाइम वर्क करता है जो कंपनी ये आपको देती है, ठीक है। और उसका जो आप इंटरटेनमेंट के पर्पज पे आप लीजिए बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात है ये इंडिया में ही है। और पहली बात तो ये वॉइस असिस्टेंट आपका गूगल का वॉइस असिस्टेंट है, ये गूगल का वॉइस असिस्टेंट के साथ काम करता है। उसमें IPX5 वाटर असिस्टेंट वाला है, जिससे अगर पानी का थोड़ा बहुत बूंद वूंद पड़ जाती है पानी की तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई खराबी वराबी नहीं आती है। नॉइस कैंसिलेशन ENC भी दिया गया हुआ है और NC भी है, आप अगर आप जिम वगैरह में आप लेना चाहें इसको ले जा सकते हैं, लगा कर बढ़िया, कोई आपके गिरेंगे नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल एकदम फिट एकदम मस्त फिट होता है। आप देख सकते हैं फिट एकदम आराम से हुआ मेरा, सिर भी हिला रहा हूँ, या आप जॉगिंग वगैरह करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से लगाइएगा बिल्कुल कोई दिक्कत भी आपको नहीं मिलेगी।
कलर भी बहुत बढ़िया है, वाइट ब्लैक कलर में आ जाता है, वाइट ब्लैक में आपको ये मिल जाएगा। और IPX5 को आपको जानते हैं कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, आप आराम से थोड़ा बहुत पानी वानी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं आती है, चार्जिंग बढ़िया है। और बाकी कंपनी तो कह ही रही है कि 10 मिनट का आप चार्जिंग कर तो 100 मिनट का आपको ये देता है, बाकी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ये करता है आराम से। मतलब कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसको ले जाओ, 10 मिनट चार्ज कर लो, 100 मिनट के लिए गाना आपने आराम से सुन सकते हो 50% म्यूज़िक के वॉइस के साथ। साउंड एकदम मार्वलस साउंड है, एकदम मार्वलस, आप देख सकते हैं मार्वलस साउंड एकदम है। मैं आपको कुछ टेस्टिंग करके भी आगे दिखाता हूँ। बाकी इसमें ऑडियो के ड्राइवर्स जो यूज़ किए गए बहुत अच्छे हैं, आप आराम से पबजी वगैरह इसमें आराम से खेलिए। बाकी इसमें गूगल असिस्टेंट सीरी वीरी के भी हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको गाना बजा के दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक आपको माइक के हिसाब से यूज़ करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितने अच्छा। पहले आपसे मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको निकाला ये अपने आप ही ब्लूटूथ दिख रहा है, ब्लूटूथ से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। जैसे मैं कनेक्ट कर लूँगा आप देख सकते हैं बोल्ड ये 90% बैटरी है और उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, आराम से ईजिली कनेक्ट हुआ था। अब मैं गूगल से बढ़िया यूज़ करूँगा, गाना सुनाऊंगा आपको कैसा है। बाकी ये गूगल असिस्टेंट और सीरी असिस्टेंट के साथ ही काम करता है, देख सकते हैं बैकग्राउंड की वॉइस कितनी अच्छी आ रही है। इसमें वॉइस असिस्टेंट का इस दिया गया है, पावर ऑन आप कर सकते हैं अगर आप 2 सेकंड तक की अगर आपको लेफ्ट और राइट कोई भी क्लिक करेंगे तो आपका पावर ऑन ऑफ ऐसे हो जाएगा, ऑटो पेयरिंग आप जैसे निकालोगे हो जाएगा। प्ले पॉज करने के लिए आप राइट या लेफ्ट को भी एक बार क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट या प्रीवियस गाना सुनना है तो 2 बार आपको राइट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट गाने पर आ जाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे लेफ्ट तो आप प्रीवियस गाने पर आप आ जाएंगे। अगर आपको कॉल को आंसर करना है तो सिंगल टैप आप क्लिक करेंगे आपका चालू हो जाएगा, और अगर आपको कॉल को हैंगअप करना है तो डबल टैप लेफ्ट राइट पर करेंगे हैंगअप हो जाएगा। कॉल रिजेक्ट करनी हो तो आप डबल क्लिक करेंगे, किधर करिए उधर करिए। X50 के ईयरबड्स के साथ TWS वाले के साथ, और आप देख सकते हैं इसकी अगर वॉइस अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल आप वॉइस के साथ जा सकते हैं। अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो इनवाया, अगर आप बाहर जाके अगर आप कॉल करते हो या गाने सुनते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन है। बाकी आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही है ये तो आप बता सकते हो, आप जान सकते हो ये। बाकी मैंने कोई भी माइक्स इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिंपली इस माइक की मदद से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अपना कैमरे को दूर कर लेता हूँ, थोड़ा सा पास करके देख लेता हूँ आपको आवाज़ आ रही है कैसी लग रही है। अगर आवाज़ अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। और इसमें अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यूज़ करना है तो वॉइस असिस्टेंट आप गूगल और सीरी का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ लेफ्ट वाला जो आपका ईयरफोन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, आपको वॉल्यूम प्लस माइनस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लेफ्ट वाले को ट्रिपल बार लेफ्ट बार दबाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, अगर ऐसे आपको राइट वाले को आप 3 बार डबल ट्रिपल आप क्लिक करेंगे तो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें म्यूज़िक के मोड्स भी दिए गए हैं, इसमें 3 म्यूज़िक आप अगर राइट वाले जो म्यूज़िक है वो बट्स है उसको आप 4 बार टैप करेंगे, ये 4 बार ठीक है, तो आपका ये मोड्स आ जाएगा। पहला मोड है रॉक मोड, दूसरा है
बेस मोड, बेस्ट बूस्ट मोस्ट, और तीसरा हाई फाई म्यूजिक। अगर आपको अच्छा म्यूजिक सुनना तो हाई फाई यूज कर सकते, वरना बेस अगर आपको बढ़िया यूज सुनना तो बेस बूस्ट यूज कर सकते, वरना रॉक बोर्ड यूज कर सकते। बस अगर आपको जैसी बैटरी जैसा आपको गाना सुनना वैसे आप यूज कर सकते। बाकी अगर आपको लोड लेटेंसी गेम वाला करना है तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ चार बार चार टाइम प्लस करना है आपको लेफ्ट वाला ईयरबड्स, बस आपका गेमिंग मोड चालू हो जाएगा जो कि हमारा लो लेटेंसी का है। बढ़िया आप म्यूजिक मोड भी आप चला सकते हैं, बैटरी का जो आपकी लाइफ होगी वो भी अच्छी रहेगी। तो बहुत बढ़िया है ये टिप्स, बढ़िया लगाइए, एकदम मस्त सुनिए, कहीं भी जाइए कहीं भी घूमिए, एकदम मस्त बोल्ट के X50 साउंड है, आप आराम से इसको, एक साल वारंटी दी गई है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, LED इंडिकेटर, टाइप सी चार्जिंग और मल्टी फंक्शन बैटरी मोड्स, और वॉइस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मोड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।